स्वीट और तातली. ऑलराइट, थैंक यू. बू याग और ने याग, ये जो बनाए गए हैं ये आए. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, ये जो चीज़ है ये अंगूर से बनाई जाती है. अंगूर रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे. मैं हूँ आपका अपना वैस राजा, आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ. जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी अब मेलों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है. इसी तरह अब साइप्रस में भी कुछ फेस्टिवल होते हैं, कुछ मेले होते हैं. सिर्फ उनमें और हमारे मेलों में फेस्टिवल में फ़र्क इतना है कि हमारे जो फेस्टिवल मेले होते हैं वो मज़ारों पर होते हैं, और यहाँ पर जो है ना जितने भी मेले वगैरह हैं फेस्टिवल हैं वो मज़ारों पर नहीं होते. बस इतना फ़र्क है. बाकी समर जो है ना स्टार्ट हो चुका है, तो इसी वाले से अब मेले भी स्टार्ट हो चुके हैं. अब ये जो है ना जिस जगह हम मौजूद हैं, ये नॉर्थ तुर्क साइप्रस का एक छोटा सा गांव मोर्म नक्शे है. इस वक्त हम इस साइड पर मौजूद हैं. जिस गांव में मैं रहता हूँ उसी गांव में ही ये एक छोटा सा मेला हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है. तो मैंने सोचा कि आप सबको भी दिखा दूँ. काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था काम की मसरूफियात की वजह से, तो आज थोड़ा सा मौका मिला है, टाइम मिला है हमें, तो सोचा कि चलो वीडियो वगैरह बना देते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं कि क्या सीन होता है, किस तरह के मेले वगैरह होते हैं यहाँ पर. तो इंशाल्लाह आगे चल के दिखाते हैं आपको. अभी दुकानें वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं के, तो साथ साथ आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या, क्योंकि मेरा जो ये है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस जगह पर, तो फर्स्ट मेला है मेरा भी. देखते हैं कि क्या किस किस्म का मेला होता है, किस किस्म का फेस्टिवल हो रहा है. साथ साथ दिखाते हैं आपको भी. आएँ, तकरीबन ये जो मेला होता है ये एक दिन के लिए होता है. इसी गाँव में एक और मेला होता है, फेस्टिवल भी होता है, वो दो से तीन दिन जारी रहता है. तो अभी ये हम पहुंच जाएँ, बस थोड़ा सा ही दूर है. ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, रश वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक लाइनें बनी हुई हैं, लगी हुई हैं गाड़ियों की. ये लिखा हुआ है आई लव मोर्म नक्शे, क्योंकि ये जो मेन जगह है ये मोर्म नक्शे के नाम से जानी जाती है. ये भी स्टार्टिंग हो चुकी है, वहाँ भी धड़ोधड़ आ रही है. पहले किस तरफ चलें? सही है, ये बच्चे इधर म्यूजिक वगैरह लगा हुआ है तुर्किश, और डांस वगैरह हो रही है. इधर खाने पीने का बंदोबस्त, इधर आइसक्रीम वगैरह. अभी ये इनकी कुछ यादगारें लगी हुई हैं, ये बाबा जी बैठे हुए हैं, ये कुछ बेच रहे हैं. इधर नहीं जाएगा. ये भी साथ साथ आपको दिखाते हैं. अभी आपको ज़रा कुछ म्यूजिक भी दिखा देते हैं स्टार्टिंग में, फिर आपको दोबारा वापस आएंगे और साथ साथ दिखाएंगे. अभी तो आपको मैंने ज़रा म्यूज़िक के वाले से दिखाया है, उधर म्यूज़िक वगैरह लगा हुआ है, वहाँ उधर ज़्यादा जमा है. तो बाकी इधर कुछ दुकानें वगैरह भी लगी हुई हैं, वो भी दिखाते हैं आपको. ये फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं, और इधर कुछ दरख्त छोटे पौधे जो हैं फ्रूट के वो लगे हुए हैं, ये भी यहाँ पर सेल हो रहे हैं. और कुछ वहाँ इधर बैठी हुई है, ज़रा इंजॉयमेंट कर रही है. और इधर भी कुछ लगी हुई हैं चूड़ियाँ वगैरह, और इस तरह का सीन बना हुआ है. ये गिफ्ट वगैरह लगे हुए हैं, ये कुछ इनके जो है ट्रेडिशनल थिंग्स हैं वो लगी हुई हैं. और इधर बुक्स वगैरह लगी हुई हैं उधर, ये इधर, और इधर जो है घड़ियाँ वगैरह और ब्रेसलेट वगैरह, ये सारा कुछ. ये जो खजूर की टोकरियाँ हैं, खजूर की हैं ना, खजूर की
और ये देखें, ये भी यहाँ पर हाथों से तैयार की जाती हैं। ये मिट्टी के जो कप वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर, अभी तक रिवाज है कि मिट्टी के कपों में, मिट्टी की प्लेटों में खाना सर्व किया जाता है और खाया भी जाता है। ये जो ये देख सकते हैं, ये क्या चीज़ है, किधर नहीं है, अभी आगे चलते हैं ज़रा। अच्छा ये इनका खाना है जी, ट्रेडिशनल खाना पड़ना हुआ है। ये जो ब्रेड वगैरह है, और इधर ये जो हाथों से बनाई जाती हैं बैग वगैरह, ये वो पड़े हुए हैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ। ये अब इधर कुछ मसाले वगैरह पड़े हुए हैं, मसाले हैं ये क्या है, हाँ मसाले वगैरह लगे हुए हैं साथ में, खुद की पैकिंग की हुई है नहीं अपने ब्रांड की। ये बुक्स दोनों तरफ भी दुकानें लगी हुई हैं। ये इधर इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर आवाम ज़रा बैठी हुई है। गर्मी की वजह से रश थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई है और इस वजह से, और कुछ आवाम जो है वो जो जिस तरफ म्यूज़िक हो रहा है उस तरफ बैठी हुई है, और कुछ जिनको कुछ चीज़ें चाहिए खरीदारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हम ही अभी इधर आए थे देखने के लिए ज़रा कि क्या सीन है भाई। मैं तो अभी आया हूँ, क्योंकि हमारे घर के साथ ही है बिल्कुल, पर सुबह से हम ज़रा सोए हुए थे और अभी निकले हैं घर से। खाने पीने का भी इधर बंदोबस्त किया गया है, वो भी दिखाते हैं आपको, और इधर भी कुछ आवाम बैठी हुई है, इधर कुछ शायद वगैरह ये जाम वगैरह रखे हुए हैं इन्हें। अच्छा ये जो बनाए गए हैं ये आए, थैंक यू। अच्छा ये जो चीज़ है ये अंगूर से बनाई जाती है, अंगूर को जब जमा के या इस तरह कुछ करके बनाया जाता है, और इस तरह इधर भी कुछ लगे हुए इस तरह की चीज़, ये कुबानी और खजूरें वगैरह लगी हुई हैं, और ये इनकी कुछ स्वीट थिंग थे। ये भी इनके कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं, ये जो इन्होंने बनाई हुई हैं। चला ये चीज़ थी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उनको मैं दिखाया था कि ये इग्नार होता है और ये इस तरह सैलेड के तौर पे खाया जाता है या इसका ऑयल निकाला जाता है। ये भी इधर भेज रहे हैं, इन्होंने कुछ दिया था, बड़ा ही बेहतरीन तरीका उसका, बड़ा ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अभी इधर फेस्टिवल हो रहा है, म्यूजिक वगैरह हो रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी कि या नहीं, साथ में दिखाते हैं आपको वो भी। इधर हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई खड़े हैं, देख रहे हैं अभी इधर जो है ना डांस का स्टार्ट हो गई है। Thank you.
नाज़रीन, अभी थोड़ा म्यूज़िक कम हुआ है, पहले म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा थी और मेरे पास माइक नहीं था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं, क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा थी और इधर आपको ज़रा दिखाना भी था। ये सारी चीज़ें इनकी, कुछ यादगारें इनकी लगी हुई हैं। म्यूज़िक की आवाज़ कम हुई है तो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये कुछ इनकी ब्रेसलेट वगैरह बने हुए हैं और ये जो है ना इनकी यादगारें, जो चकोरे वगैरह खजूर के पत्तों से बनाई जाती हैं, ये इन्होंने कुछ सैंपल रखे हुए हैं छोटे छोटे बना के, और छल्ले वगैरह रखे हुए हैं। ये जिस तरह झाड़ू हो गया और ये छल्ले हो गए माशाल्लाह, और ये देख सकते हैं, और ये जो चेहरे वगैरह बनाई हुई है इन्होंने, ये फूड स्वीट और तातली थैंक यू बू याग और ने याग ने या हंगी सी याग जैतीन, ये जैतीन का जैतून तेल है सारा, और बू हंगी बू ने एथमेस एथमेस तमाम तशक्ल अलहदा थैंक यू। ये इनका प्यार है, मोहब्बत है जी, ये सारी चीज़ें थैंक यू। और इधर जो कुछ देख सकते हैं, ये चक्की लगी हुई है, ये भी इन्होंने कुछ रखी हुई है। ये जो बने चने पड़े हुए सारे, इनका आटा वगैरह निकलता है, ये देख के सारी यादें ज़रा ताज़ा हो रही है, पाकिस्तान की पुरानी यादें। और इधर जो लगी हुई है स्ट्रॉबेरी वगैरह लगी हुई है, ये लफा स्ट्रॉबेरी, ये जो गांव है ये स्ट्रॉबेरी के लिहाज से बड़ा ही मशहूर है, क्योंकि यहाँ के स्ट्रॉबेरी जो बड़ी है ज़्यादातर मशहूर है यहाँ की स्ट्रॉबेरी और लफा वगैरह। ये भाई साहब ओनर हैं, आओ अभी ये तकरीबन हमारे पाकिस्तानी 1500 के, यानी ये 1500-1400 रेट आ रहा है, तकरीबन इतना आ रहा है। अभी फिर दोबारा से म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है और आवाज़ जो है ना सही नहीं रिकॉर्ड होगी, माफ़ करना चाहता हूँ इस वजह से मैं। अभी इधर जो है मट्टी पड़ी हुई है, और जो बच्चे वगैरह खेलते हैं आके मट्टी से बनाते हैं, ये जो पुरानी यादें हमारी बचपन की यादें ज़रा ताज़ा हो रही हैं। और इधर खाने का कोई बंदोबस्त किया गया है, रोज़ागी, और इधर जो है इनका भोसा वगैरह पड़ा हुआ, वैसे तो पीने वगैरह बनाने के लिए मामला। और ये भी इनका खुश्क मेवा जात पड़े, जैसे ये माल्टे वगैरह हो गए, और ये स्ट्रॉबेरी होगी, ये खुश्क हैं सारे सूखे फ्रूट है। और ये जो लकड़ी से बने हुए हैं बच्चों के खिलौने वगैरह, ये नाम के छल्ले वगैरह जैसे हमारे पाकिस्तान में मेलों में होता है, अच्छा बिल्कुल वैसा ही सीन है। ये भी इनका ट्रेडिशनल खाना है, अब इधर ये हाथ से बनी हुई बुनैने वगैरह होगी, बैग्स वगैरह हो गए बच्चों के, और ये देख सकते हैंड क्राफ्ट से सारे। और इधर फिर से कोई तेल वगैरह और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी स्वीट्स पड़ी हुई हैं, ये जूस वगैरह, ये भी कुछ मीठे में है, पता नहीं अब क्या है, जैसे हमारे गुलाब जामुन वगैरह हो गए। थोड़ा सा एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है, जैसे हमारे पाकिस्तान में जलेबी है ना भाई, यहाँ पे जलेबी वगैरह कोई नहीं खाता, और जिस तरह चीज़ें मैंने दिखाई हैं आपको वही सीन है, तो वही उसी चीज़ की कमी ज़रा महसूस हो रही है। और ये आंटी जी ने दिया था, पता नहीं क्या है, चेक करते हैं। ना इतना ज़्यादा मीठा है और ना इतना ज़्यादा जो है ना इसका जायका बड़ा ही बेहतरीन जायका है, तो ज़्यादा मीठी चीज़ें भी ये नहीं खाते, इतना पसंद नहीं करते, तो ज़रा हल्का हल्का स्वीट भी हो और मज़ा भी करे। ये तिल वगैरह लगे हुए हैं, और ये हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी भाई हैं जो हमारे इलाके से हैं। अभी फिर से दोबारा से म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है, वो भी आपको दिखाते हैं क्या सीन होता है, किस तरह का म्यूजिक होता है, हमें तो समझ नहीं। Hedefleri tamamen yerli üretime destek vermek. Bugün 10. yılın doldurmanın mutluluğunu yaşadılar. Nice 10 yıllara diyoruz. Nice 10 yıllara. Hey! Huh? Ask him.
Bir gün bana sormadın. Yüzüme bakmadın.